लोग नटखट खाते हैं लेकिन नटखट है नहीं हम। अभी भैया जी कह रहे थे कि हम टेढ़े मेढ़े खाते हैं, हम टेढ़े टेढ़े गाते नहीं है। तो हमने तो सीधा ही सीधा संजय भैया गाया था, बाकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन जो गाएगी सदेवा सरार्थी गाएगा, प्रयास करेगा, अपनी तरफ से ऐसी तज नहीं देगा जिससे माहौल बिगड़े। सही है, टेढ़ा मेढ़ा खाए लेकिन कोरस सीधी कराओ। वही है लैन मेरी कह रही थी नटखट जी, अदानी बड़े भैया, लहन कह रही थी मैं कुछ कहूंगा नहीं, ना ना, तुम दिल से मत लेना। ना 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 सिंह के साथ मबैला, बस हार है, आहार है, व्यवहार। ये बढ़िया है, बहन का बढ़िया जवाब आया है, समर्थन करता हूँ। बढ़िया, आज जब हमारे भैया लोग आ गए तो दिल से एक गीत आया बहन जी, और गीत इतना अच्छा है कि आप हमसे भी अच्छा गाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा गाना कह रहा है क्या दादाजी, लाइन सुनिए संतोष दादाजी, लाइन सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या कह के हंस के तो बाते क्या कर ली तुम बन बैठे हो सैया, दौलत दुनिया तीनों जो हारे, राकेश भैया, राकेश भैया, अरे पहले इसका मोल तो समझो और फिर पकड़ो हमारी बैया, दिल दौलत दुनिया जो हारे, दिल दौलत दुनिया जो हारे, अरे मेरा बलम तब पता है थोड़ा ले सम लगता है, थोड़ा ले सम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, हीरे मोती जड़ते हैं थोड़ा सोना लगता है, ये 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 क्यों जीते हो, बाबा की गगन समीरा,
मेरा चित शरीरा ओ पंच तत्व से रचित शरीरा चित जल पावक गगन समीरा पांच तत्व से रचित शरीरा सिद्ध कर रहा हूं कैसे कैसे ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके बनाया है ये मानो अरे ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके बनाया है ये मानो देवेंद्र भैया सुनेगा और संजय भैया ये आपके कैमरे में पहला गीत जा रहा है चार देव एक देवी ने मिलकर चार देव एक देवी यानी छित देवी जल पावक गगन समीरा चार देव चार देव एक देवी ने मिलकर ऐसे रचाया है ये मानो और जब मानो रचाया तो कहना है क्या कहना बेटे ये मानो जब कब बनता है एक प्रश्न उठ गया क्या ये मानो रत कब पड़ता है तो थोड़ी अग्नि लगती है क्या बात है थोड़ी बात है कि थोड़ी अग्नि लगती है नभला सानी लगता है और थोड़ी मिट्टी लगती है और हवा पानी लगता ये बात बेटा बिल्कुल तुम पापा की तरह गा रहे हो थोड़ी मिट्टी लगती है हवा पानी लगता है क्या बात शाबाश बेटे शाबाश तो थोड़ी ये मानो रत कब पड़ता है थोड़ी अग्नि लगती है नभला सानी लगता है थोड़ी मिट्टी लगती है हवा पानी लगता है ये मानो रत तब पड़ता है जो कि कीर्तन के जौहरी कहलाते हैं ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से आप हैं आपकी तरफ से अनगिनत पुरस्कार आए हैं आखिर मानो का तन तो बन गया मानो इस तन को रतन कैसे बनाएगा ये बात ये सुनेगा ये गाना हर ढोलक मास्टर नहीं बजा पाए ये तन रतन कैसे बनेगा सुनेगा सुनाइएगा बैठ जाइए माता जी कहाँ जा रही है अच्छा चाय पीने जा रही बैठ जाइए पहचाना बैठ जाइए थोड़ी देर सुन लो फिर जाना अरे जीवन है एक कठिन तपस्या जिसको पार करे एक मानो अरे जीवन है एक कठिन तपस्या अरे जीवन है एक कठिन परीक्षा अरे जिसको पार करे ये मानो और अरे जिसने इसकी करनी समीक्षा बन जाता वो असली मानो ये बात
बात सही। अरे जिसने इसे की कर ली समीक्षा बन जाता वो असली मानो। तो कहना है क्या? ये तन ये रत कब पलता है? आखिर ये तन रतन कैसे बनता है? कैसे बेटे? अरे तन ये रत कब पलता है के भाव भावना लगती है। अरे भाव भावना लगती है और मन की शक्ति लगती है और अरे पूजा बंदन लगता है सच्ची भक्ति लगती है। जब परमात्मा से सच्ची भक्ति लग जाएगी तब तन ये रत तब पलता है। संचालक बहुत ही अच्छे कलाकार व्यक्तित्व के धनी हमारे दादा श्री सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी जो कि बहुत अच्छे संचालन है संचालन करता है। आप तरफ से 51 पवित्र आशीर्वाद स्वरूप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आखिरी बात को सुनेगा दादा जी के गोधन गज धन बाज धन ये और रतन धन खान जब संतोष धन हर धन धूली समान। ये जो हमारे शासन की तरफ से आए हैं आपको भी नमन है। हमारे जो शासन की तरफ से आए हैं जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं आप लोग, अगर आपने थोड़ा सा समय निकाला है तो ये हमारे पुण्य भाग है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीमा में सैनिक जो कार्य करते हैं वही कार्य एक क्षेत्र में और शहर में रहकर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। आखिरी बात सुनेगा दादा जी। अरे धन सम्मान तो बहुत कमाया सदा रहा तू फिर भी निर्धन। जब निर्धन रहा अरे जिसके मन सर जिसके मन संतोष का दर है अज्ञानी पा जाता हर धन। तो अरे ये जीवन रतन कब पलता है? आखिर ये जीवन रतन कब बनता है? ये जीवन रतन कब पलता है? बुद्धि ज्ञान लगता है इंसानियत लगती है सच्ची लगन भी लगती है साफ नियत लगती है। और जब नियत साफ तो मंजिल आसान। तो सच्ची लगन भी लगती है साफ नियत लगती है ये जीवन तब पता है सच्ची लगन भी लगती है। थोड़ी अग्नि लगती है नभला सानी लगता है और थोड़ी मिट्टी लगती है हवा पानी लगता है। बोले सच्चे दरबार की जय। अच्छा आदेश आया है कि कटपीस
गाया बटे आइए अपनी ओर से प्रयास कर रही हूं आपके सुंदर से गीत का। चलो बटे बहुत अच्छा गीत आया है कि हंस के दो बातें क्या कर ली तुम तो बन बैठे सैया कितने तत्व में मानव के किस अंग में कितने तत्व की
जो माप रेखा है वो भी निश्चित कर दे। कितने भागों में कौन तो है जब ये रचाया है मानो, ये मानो का तन जब बनता है। अब देखिए अगर बराबर थोड़ा थोड़ा होगा तो कुछ नहीं होगा, उसकी एक अलग संख्या है। क्या बने? ये मानो का तन जब बनता है तो सचदेवरी गगन एक अंगुल लगता है। क्या बात बेटे? ये है एक अंगुल गगन आता, ये है पढ़ाई लिखाई। गगन एक अंगुल लगता है, बार चार अंगुल लगता है, बार यानी हवा, क्षमा कीजिएगा पानी आई। गगन एक अंगुल लगता है, बार चार अंगुल लगता है, अगन अगन आठ अंगुल लगती है, धरा बारह अंगुल लगता है। जो धरती का रूप है वो बारह अंगों का अंगुल लगता है। अगन आठ अंगुल लगती है, धरा बारह अंगुल लगती है, ये मानो का तन जब बनता है। गगन एक अंगुल लगता है, बार आठ अंगुल लगता है, गगन एक अंगुल लगता है, बार चार अंगुल लगता है, गगन एक अंगुल लगता है, बार आठ अंगुल लगता है। बड़े भैया अब हवा कितनी लगती है? आजा हवा कितनी लगती है हमको पता नहीं, बिल्कुल, लेकिन जो पता है सुनिए सुने, क्योंकि आपका बहुत मजबूत गीत है। आ गया आइए, देखिए उसमें एक क्रम चल रहा है, चार आठ बारह सोलह। आ गया आइए सुने, कहां कौन पर रहता है। छोटी बहन नाम क्या था? अच्छा गुप्तदान महादान आपके माध्यम से इनके यहाँ पत्र मुद्राएं भेज हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। एक निवेदन भी है, निवेदन भी, आप थोड़ा सा और समय दे दें फिर बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए आपने कहा थोड़ा थोड़ा रखता है, लेकिन अब कौन सी चीज कहाँ पर है? बड़े भैया सुने सुने, कौन कहां पर है रहता, ये वेदों में पाया। कौन कहां पर है? क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं पंच तत्व से रचित शरीरा। आज्ञा बिल्कुल, कौन कहां पर है रहता उदर में रहती है, पेट में अग्नि होती है, अग
अग्नि उदर में रहती। बड़े भैया, अग्नि उदर में रहता है, पराये सिर पे रहता है, हवा ये कान से बहता है, अगन आठ अंगुल रहता है। गीत काम बच्चों की तरफ से प्रयास। और आइए, मैं अपनी ओर से गीत भेंट कर रही हूं, बिल्कुल साधारण।